दयालपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या से मचा कोहराम। बिस्तर पर पड़ा मिला बुजुर्ग महिला का शव। लूट के बाद हाथ पैर बांधकर की गई हत्या। भजनपुरा इलाके में महिला को जलाने की कोशिश। घर में सो रही महिला को जिंदा जलाने की साजिश। पीड़ित के पति पर साजिश का शक। पुलिस कर रही। सैलरीड क्लास को है बजट से खास उम्मीदें। सैलरीड क्लास के लोगों का कहना, मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखे सरकार। पूर्वी दिल्ली में जलभराव की समस्या। बारिश ने खोल दी प्रशासन की पोल। बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है दिक्कतें। फाइनल एग्जाम के चलते स्कूल जाना भी जरूरी। प्राइवेट स्कूलों की मांग, नहीं लिया जाए हाउस टैक्स। आरसी जैन ने की हाउस टैक्स समाप्त करने की मांग। आरसी जैन का कहना, प्राइवेट स्कूल फायदे के लिए नहीं चलाए जाते। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर चौंका देने वाली खबर सामने आई है। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के करावल नगर एक्सटेंशन का है, जहां एक 88 वर्षीय शांति देवी नाम की बुजुर्ग महिला की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। आपको बता दें, बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधे हुए थे और लूट के बाद उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। परिजनों के अनुसार शांति देवी को अज्ञात बदमाशों ने लूट के बाद हाथ पैर बांधकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोगों पड़ोसियों ने बताया था कि भाई आपका गेट खुला हुआ है और अंदर से कोई मम्मी की कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है, तो फिर उन लोगों ने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया और फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे। फिर इन द मीनवाइल उन लोगों ने बता दिया कि भाई ऐसा है कि पुलिस वालों ने बोला है कि डेथ हो चुकी है उनकी। हाँ, लूट का इरादा लगता है, अलमारियाँ खुली हुई थी, सामान फैला हुआ था सारा वहाँ। ये तो अभी हम लोगों ने चेक नहीं किया ना, तब से पुलिस वालों के साथ ही, लेकिन सामान फैला हुआ है सारा फ्लोर फर्श के ऊपर। अंदर जाकर देखा तो हाथ पर बंधे हुए थे, मुंह का कपड़ा बंधा हुआ था, ऐसे गिरी हुई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था ये वाला। अच्छा, दरवाज़ा हमने इधर से बजाया, दूसरे से गेट बजाया, किसी ने नहीं खोला। फिर पुलिस को 100 नंबर कॉल करा, पुलिस आकर अंदर गई थी। जैसे तीन लड़के हैं, बहू हैं उनके, एक पोता है, वो सब अलग रहते हैं। ये दरवाज़ा खुला हुआ था ना अंदर, जब आते हैं, जब निकलते बढ़ते हैं, दरवाज़ा खुला देखा, इसलिए पता पड़ा था हमारे को। अब ये तो बाद में पता पड़ेगा कैसे भी होगा, बाकी फिलहाल तो ऐसे लग रहा था चोरी करा हो या उठ गए हो कोई। पूर्वी दिल्ली में एक के बाद एक ऐसी वारदातें हो रही हैं जो वाकई दिल्ली में बहन बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं। अब ताज़ा मामला भजनपुरा इलाके का है, जहां संदिग्ध हालत में एक महिला झुलस गई। मायके वालों का आरोप है कि उसके पति ने बिस्तर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई है। इतना ही नहीं, बल्कि महिला ने कमरे से बाहर भागकर जान बचाने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। भजनपुरा थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद पीड़ित के पति रहीसुद्दीन को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। ये मेरी सिस्टर हैं और इनको कमरे में सोते हुए इनके हस्बैंड ने आग लगा दी, जो कि ये सोई हुई थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे और इन्होंने कमरे से बाहर जब आग लगा दी अंदर, तो उनको गर्मी महसूस हुई और जब वो उठ के उन्होंने देखा तो आग लगा के जब उनका हस्बैंड वहाँ से भागा रूम से और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। उन्होंने काफ़ी बोला कि दरवाज़ा खोलने के लिए, चिल्लाया, काफ़ी स्ट्रगल किया, उन्होंने नहीं खोला। तो उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस को आधे से एक घंटा लगा, काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जब तक वजह यही रही है कि एक तो प्रेशर डालते थे दान दहेज के लिए सब तरीके से, और बोलते थे कि मुझे रखनी नहीं है, और उससे पहले भी एक इन्होंने शादी की कर रखी थी, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया है और उसका केस अभी भी इनके ऊपर चल रहा है। मुझे इसके पिताजी से, इसके भाई से जानकारी मिली है कि रात में ये लोग मेरे पास घर पर गए, जैसे सामाजिक स्तर पर गाँव में घूम रहे थे, कि जो यहाँ पर आए हुए हैं इस केस के, उन्होंने कोई अच्छी पैरवी उनको नहीं दिखाई। अकेले एक बच्चे को, उसके हस्बैंड को ही केवल उस केस में लिप्त किया है, जिसमें 307
आईबी के थ्रू लगाई है, और जो कि उसके ससुर और उसका एक जेठ जो इस षड्यंत्र में बताए गए, जैसे कि वो बच्चे पीड़ित होकर के रो रहे थे, उसका भाई बहुत ही डिप्रेशन में गया हुआ है, मुस्कीम नाम है जिसका। और लड़की अभी इस हालत में है, जली हुई है पूरा 95% लड़की जली हुई है, और इसको जलाने में उसके पति रईसुद्दीन का और उसके परिवार के लोग लिप्त हैं, क्योंकि लड़की को आग लगाकर रईसुद्दीन घर से कुंडी लगा करके चला गया, और परिवार के लोग, पूरे परिवार के लोग वहीं पर मौजूद रहे, लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, और उसी लड़की ने 100 नंबर पर भी कॉल किया जो 112 की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने दरवाज़ा नहीं खोला। हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमने कई बार बोला है कि लड़की के बयान मजिस्ट्रेट के सामने या SDM के सामने बयान हो, पर अभी तक कोई बयान नहीं हुए, कोई कार्रवाई नहीं की, और हमारे कहने पर तो हमसे बात भी नहीं कर रहे वो लोग। हमको तो ऐसा बोल देते हैं कि आप यहाँ से जाइए, जो हमारा काम है अपने आप कर लेंगे, हमसे तो साफ साफ वो मना कर देते हैं, और ना हमको ये बताए कि लड़की के बयान हुए या ना हुए। 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है, ऐसे में सैलरी क्लास को इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स सैलरी क्लास से ही आता है। सैलरी क्लास टैक्स पेयर्स इस बजट से इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। जब हमने पूर्वी दिल्ली के सैलरी क्लास के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट में सरकार मध्यम वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखेगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि या तो इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए या फिर उसकी दर कम कर दी जाए, ताकि बजट में बैलेंस बना रहे। लेकिन इस बार के बजट में क्या कुछ खास होता है, ये तो 1 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। सबसे पहले जो बजट आ रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि कई इसमें मध्यम वर्गीय लोग भी होते जो सैलरी पेड होते हैं, जैसे मैं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी इसमें इतना इनकम टैक्स इतना लग जाता है कि हमें कोई राहत नहीं मिल पाती है। मेरी सरकार से ये दरखास्त है, प्रार्थना है कि इस या तो इसके स्लैब को बढ़ा दिया जाए, या इसका जो दायरा है 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए। इससे हम लोग मध्यम वर्गीय लोगों को, जो नौकरी पेशा करने वाले, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए, इनकम टैक्स में छूट में मैं ये चाहती हूँ कि या तो इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए, या जो हमारा इनकम टैक्स है उसकी दर जो है वो कम कर दी जाए। अगर बढ़ा दिया जाए तो आई थिंक कि अगर 8 या 10 लाख तक हो जाए, या फिर उसकी दर को कम किया जाए, ताकि कम हमारा जो बजट है वो घर का थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता वो बिल्कुल भी, तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। पूर्वी दिल्ली में एक दिन भी नहीं बल्कि चंद घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। बारिश की वजह से जगह जगह हुए गड्ढे और टूटी सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। जलभराव की समस्या के कारण लोगों को यहां से आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही 2-व्हीलर वालों के लिए हादसों का डर बना हुआ है। इसी संबंध में स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां से लोगों को निकलने में मुश्किलें हो रही हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी कड़ी में जब हमने विवेक विहार के स्कूल जाकर पता किया तो देखा कि बच्चों की उपस्थिति में बहुत फर्क आया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि अभी बच्चों की अटेंडेंस में फिलहाल कमी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्जाम भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में पेरेंट्स भी बच्चों को छुट्टी कराने से बच रहे हैं। वहीं नर्सरी के टीचर का कहना है कि बारिश के कारण छोटे बच्चों की अटेंडेंस में ज़रूर कमी आई है, वरना सभी बच्चे स्कूल आ रहे थे। बारिश में तो पानी भर जाता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खड्डे हैं बराबर। ये तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भराव करवा दिया है यहाँ, जिससे थोड़ी बहुत चलने लायक हो गई है। जब भी बारिश आती है पानी फुल, अभी तो बहुत कम है, और सुबेरे आप आते तो चलने के लिए बच्चों को जगह ही नहीं है। यहाँ 4 स्कूल हैं, 4 स्कूल के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक ही दिन की बारिश हुई, हाल हो गया। हाँ, एक ही दिन क्या, वही रात रात में बारिश हुई, उसकी वजह से ही हो गया। मरम्मत के बहुत ज़्यादा कह चुके हैं मगर कुछ नहीं है। ये पहले बनी है, इतनी सड़क बनी है, उसके बाद बनी ही नहीं है। एक साल से देख रहा हूँ कि ये रोड बना ही नहीं, यहाँ का निगम पार्षद पहले था उन्होंने बनाई नहीं, और इन्होंने ये रोड मेरे सामने बनाई थी वाल्मीकि, सुनो एक ही रोड वाल्मीकि, ये वाल्मीकि जयंती वाले दिन ये रोड बना था, 2-4 दिन वोट लेने के चक्कर में बना था, और ये फिर अब दोबारा खोद दिया इन्होंने। लोगों को, हमारे कस्टमरों को बहुत दिक्कत है, यहाँ खड़ी गाड़ी स्कूटी कोई भी नहीं खड़ी हो पाती, पानी भरा पड़ा है सारा, बरसात में सारी दिक्कत ही है, बारिश में भर ही जाता है अक्सर। हाँ, एक दिन गया, थोड़ी देर बारिश आ जाए, पानी भर ही जाता है। सड़क खराब है, बहुत हालत खराब है, 3 साल हो गए कभी बनी नहीं है सड़क।
तीन साल में। नहीं नहीं, बहुत बार लेटर भी दे दिए हर जगह, PWM में उसमें भी, PWD में भी दे दिया, और इसमें आपका निर्मल जल है, इनको भी कई बार कह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये बहुत दिक्कत हो रही है, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ तीन तीन स्कूल हैंगे, और बच्चे इसके अंदर से चल चले के जाना पड़ता है, स्कूटियाँ जो हैं अटक जाती हैं, गिर जाते हैं बच्चे उसके ऊपर से, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। करीबन तीन चार, नहीं जब भी बारिश आती है तभी ऐसा हो जाता है, पूरी गर्मी भर बारिश हुई है तब भी यहाँ पे इसी तरह से हाल रहा है, और अब ये कल बारिश जो हुई है उसकी वजह से ये फिर भर गया आज। जहाँ तक अटेंडेंस का सवाल है बच्चों की, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबकी, एक्सेप्ट प्री बोर्ड, बोर्ड बच्चे पूरी अटेंडेंस पर हैं, सिर्फ प्री बोर्ड और बोर्ड वाले बच्चों का जो हाल है वो थोड़े से वो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए घर पर हैं, उनमें कमी है, बाकी और किसी में कमी नहीं, पूरा स्कूल पूरे रेगुलर है, LKG UKG फर्स्ट सेकंड सब रेगुलर आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हमारा स्कूल का टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, 8:20 है एक्चुअली, तो हमारे यहाँ 8:20 की वजह से सब पूरी स्ट्रेंथ है, और हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ना किसी पेरेंट्स ने हमें कोई कंप्लेंट की। मुझे लगता है पेरेंट्स भी इस वक्त बहुत पर्टिकुलर हैं कि स्टडीज़ और फाइनल एग्जामिनेशन आने वाले हैं फरवरी में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे छुट्टी कराएंगे। मौसम में तो बिल्कुल बदलाव आए कि दिन में इतनी बारिश होने के बाद, बच्चों में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस में फ़र्क आया, बट हाँ रेशियो बच्चों की आज कंपैरेटिवली कम है जो पहले बच्चे आ रहे थे, वो यही रीज़न हो सकता है कि बारिश हो गई है, पानी भर गया कहीं, या बच्चे जो पहले से ही बीमार थे, वायरल में हैं जो बच्चे, फीवर है, वही बच्चे आज भी एबसेंट हैं। छोटी क्लासेस के ही बच्चे एबसेंट ज़्यादा हो रहे हैं, बड़ी क्लास के बच्चों के तो अभी उनके प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे 9th-10th वगैरह में, इतना नहीं है वो बच्चे एबसेंट, इवन सिर्फ जो प्राइमरी है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बोर्ड क्लासेस में यही है कि बच्चे कुछ सेल्फ स्टडी जो करते हैं वो कहते हैं कि हमें खुद भी टाइम देना है, और यहाँ पर तो रिविजन बच्चों की चल ही रही है, साथ में प्रैक्टिकल्स जब होते हैं तो बच्चे आते हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने MCD से मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों से हाउस टैक्स नहीं लिया जाए, इसे लेकर दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने MCD कमिश्नर को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि दिल्ली में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों से हाउस टैक्स समाप्त किया जाए, क्योंकि ये स्कूल फायदे के लिए नहीं चलाए जाते हैं। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट RC जैन का कहना है कि स्कूलों को चलाने वाली संस्था रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था चलाती हैं, जिनका आधार लाभ कमाना नहीं बल्कि जनसेवा है। एसोसिएशन का कहना है कि इन स्कूलों से लिया गया हाउस टैक्स का सीधा दिल्ली के अभिभावकों पे असर पड़ने वाला है। देखिए, मैंने उपराज्यपाल दिल्ली को एक पत्र लिखा, और साथ ही कमिश्नर MCD को भी लिखा एक पत्र, कि दिल्ली में जितने पब्लिक स्कूल हैं उनके ऊपर आपने यूज फैक्टर 3 लगा करके और रेंटेड फैक्टर भी लगा दिए, जो अपना निजी लैंड पर चल रहे हैं, क्यों अधिकतर वो जो बिल्डिंग है निजी लैंड पर जो स्कूल चल रहे हैं वो सब किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 20% हाउस टैक्स कमर्शियल लगा करके, यूज फैक्टर 3 लगा के 60% हो गया, रेंटेड फैक्टर लगा के 120% हो गया, जो इन स्कूलों की हालत नहीं है कि इतना वो 120% दे सके। मेरी सरकार से मैंने मांग लगाई है कि जब आप मंदिरों से टैक्स नहीं लेते, मस्जिदों से टैक्स नहीं लेते, गुरुद्वारों से टैक्स नहीं लेते, ये स्कूल भी मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारों के बराबर ही है, क्योंकि इनका ये जो भी संस्था इनको चलाती है वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस का इनका नेचर है। ऐसी स्थिति में जब ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे चलते हैं और आप इतना जबरदस्त पे हाउस टैक्स लगा रहे, तो मेरी मांग है कि इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 25% बच्चा फ्री पढ़ता है, जिसकी कोई फीस नहीं आती, समझे। तो ऐसी स्थिति में मैंने कई मांगों को लेकर के कहा कि इनका हाउस टैक्स बिल्कुल समाप्त किया जाए। सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई है? नहीं, सरकार की तरफ से तो रिप्लाई आज 2 बजे हमारी मीटिंग है कमिश्नर ऑफ MCD से, और उसके बाद देखते हैं क्या तय होता है। बाकी ये जरूर है कि इस बार चाहे बायकॉट करना पड़े, हाउस टैक्स हम नहीं देंगे जब तक सरकार इसके ऊपर फैसला नहीं लेगी। उत्तर पूर्वी जिला थाना सोनिया विहार टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस को सूचना मिली कि एक विवाह समारोह से एक हार और करीब 29,100 रुपए चोरी हो गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जाँच शुरू की। जाँच के दौरान सुराग जुटाने के लिए स्थानीय सूत्रों को भी तैनात किया गया था। समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस टीम द्वारा अच्छी तरह से स्कैन की गई और उसका विश्लेषण किया गया। शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग से पुलिस टीम ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को निशाने पर लिया। मेजबान से पुष्टि करने पर यह सामने आया कि उन्हें ना तो दूल्हा और ना ही दुल्हन पक्ष द्वारा आमंत्रित किया गया था। पहचान के लिए उनकी तस्वीरें विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा की गईं। इसके अलावा शादी विवाह के और कई अन्य कार्यक्रमों में भी सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, ताकि खुफिया जानकारी जुटाई जा सके, और पुलिस की मेहनत रंग लाई, जिसके बाद सोनिया विहार से 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से एक चोरी का मंगलसूत्र और करीब 2,000 रुपए भी बरामद हुए हैं।
पूछताछ पर उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है और खुलासा किया है कि वो सोनिया विहार पुश्ता के इलाके में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाते थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक पर लगातार बैन लगाया जाता है और कहा जाता है कि प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है, साथ ही जानवर भी इससे खेलते हैं और बीमार हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि उन फैक्ट्रियों को ही बंद कर देना चाहिए जहां प्लास्टिक का निर्माण होता है, साथ ही जनता को भी जागरूक होना जरूरी है और इसके इस्तेमाल पर खुद ही रोक लगानी पड़ेगी, जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ हो सके, और जो ऐसा ना करे उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकती नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जैसे हमारे कूड़े में पन्नियों में अभी भी फेंकते हैं, परचून की दुकानों पर बिक्री है, तो वो हमारी पन्नियों में कूड़े में खत्म हो जाते हैं, हमारे गाय माता जो खा के वो बीमार हो रही हैं और प्रदूषण हो रहा है उससे, उसी को जला देते हैं, तो बंद होनी चाहिए हमारी तरफ से, होनी तो चाहिए। मैं कहता रहूँ आपको, जैसे हमारे प्रदूषण उसी वजह से हो रहा है, गंदगी उसी की वजह से हो रही है, जो हमारे परचून वाले, सख्त एक्शन यही लेना चाहिए कि जैसे हमें एक होके सबको बोलना चाहिए, कैसे जैसे हम जाते हैं कि परचून वाली दुकान वालों को स्पेशल उसे बोलना चाहिए कि भैया ये ना लो, इससे सही तो लिफाफा लो, जिससे हमारी प्रदूषण होए भी नहीं और हमारे गंदगी भी ना हो। देखो, अगर पूरी तरीके से प्लास्टिक को बैन करना है तो जिन कंपनियों और जिन कारखानों में प्लास्टिक बन रही है, पॉलीथीन बन रही है, उन्हें बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बनेगी नहीं और पब्लिक तक आएगी नहीं, एक तो होगी बात ये। दूसरी बात ये कि कुछ कार्य ऐसे हैं कि बिगर प्लास्टिक की पॉलीथीनों के नहीं चल सकते हैं कुछ कार्य, क्योंकि हालांकि थैलों का चलन और लिफाफों का चलन होना चाहिए, कागज का चलन चलना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं, कुछ कार्यों के लिए पॉलीथीन की ज़रूरत है। जो थैले बनाए हैं बड़े महंगे बिक रहे हैं, तो इसी कारण से दुकानदार उसे संभाल नहीं पा रहे, कैसे खरीदे कैसे बेचे, वो इतने महंगे हैं कि करीबन नहीं तो 250 रुपये तक किलो में आ जाते हैं, और पॉलीथीन ये है कि 60 रुपये 70 रुपये में काम चल जाता है, इससे कि क्या नाम है, ना तो दुकानदार पे कोई बर्डन पड़ता और ना कोई जो परचून में खरीदता सामान उस पे बर्डन पड़ता। लक्ष्मीनगर की मधुबन सोसाइटी के सनातन धर्म मंदिर में 22 जनवरी से 30 जनवरी तक श्री महाशत चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रि के चलते ये यज्ञ चल रहा था। इसमें पूजन हवन कीर्तन के साथ विशेष भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज इस यज्ञ का समापन हो रहा है, जिसमें तमाम भक्तजन पधारे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। साथ ही श्रद्धालुओं ने बताया कि महाशत चंडी यज्ञ सृष्टि के कल्याण के लिए किया गया, जिससे हर तरफ अमन शांति बनी रहे। हमारे जन जन के कल्याण के लिए, अकाल मृत्यु होती है संसार में उन सबके यथार्थ के लिए, सर्व सुखाय सर्व हिताय, ये यज्ञ सचंडी महा दुर्गा बड़े भावनात्मक माँ भगवती की असीम कृपा से यह संपन्न होने जा रहा है। 22 तारीख से आरंभ किया ये बच्चों का एक गुप्त नवरात्रि ये चल रहा है 22 तारीख से, तो सचंडी महायज्ञ का आयोजन मधुबन कॉलोनी के प्रधान जी, अपने सोसाइटी के प्रधान जी चंद्र प्रकाश जी, हमारे ये सचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, और इसके अंतर्गत ये बच्चे को जो है यज्ञों पर भी संस्कार किया गया था 26 तारीख को। सचंडी यज्ञ 22 तारीख से प्रारंभ हुआ था, जिसका आज समापन होने जा रहा है, और ये जो गुरुकुल के बच्चे हैं जिनको शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, इन सबका यज्ञोपवीत हुआ है, आपके सामने खड़े हैं, और निश्चित रूप से इस सृष्टि के कल्याण के लिए ये सचंडी यज्ञ है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, अमन शांति रहे, तो उसके लिए पंडित बिहारी लाल दुबे जी ने मुझे भी आमंत्रित किया। पंडित जी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर आयोजन करना चाहते हैं यज्ञ का, हमने कहा करिए, बड़े शौक से करिए, क्योंकि इससे पूरी कॉलोनी को जो है अच्छी वाइब्स मिलती हैं यज्ञ करने से। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।